Hi students, welcome to our school channel. Myself Harshpreet Kaur, your physics educator. So, आज मैं आपके साथ बात करने आई हूँ एक न्यू एजुकेशन सिस्टम प्रपोजल के बारे में. दैट इज स्टेम. येस यू हर्ड इट राइट, स्टेम. वैसे तो स्टेम का मतलब क्या होता है? जड़ें, है ना. और अगर जड़ें मजबूत हों तो प्लांट हेल्दी रहता है. आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि स्टेम का जो एक्चुअल मीनिंग है, अगर वो जस्टिफाई हो तो हमारा प्लांट क्या रहता है? हेल्दी रहता है. सो ऐसा ही अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम बन जाए जो कि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम सेंट्रिक ना होकर आपकी जड़ों को मजबूत करे, आपके कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करे, ताकि आप ज़्यादा अच्छे से अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में परफॉर्म कर सकें, है ना. आपकी जो नॉलेज है सिर्फ बुकिश ना रहकर प्रैक्टिकल हो जाए, तो इसी पर एक प्रपोजल आ रहा है. और ये प्रपोजल काफ़ी देर से चल रहा है, ठीक है. एंड अगर ये लागू हो जाता है प्रॉपर तरीके से, तो बेटा यहाँ से आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंटायरली चेंज हो जाएगा. तो चलिए स्टेम की पहले फुल फॉर्म देखते हैं कि स्टेम का मतलब क्या है. स्टेम में एस स्टैंड्स फॉर साइंस, टी स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी, ई स्टैंड्स फॉर एजुकेशन एंड एम स्टैंड्स फॉर मैथमेटिक. ई से एजुकेशन भी है, ई से इंजीनियरिंग भी है. अब आपको पता है यहाँ पे साइंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं. जब हम कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं तो हम सिर्फ उसको ना बुकिश लैंग्वेज से तो पढ़ लेते हैं, बट हम उसको विजुअलाइज नहीं कर पाते, हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते. और अगर हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है. यही स्टेम प्रपोजल कहता है कि अगर आप एजुकेशन जो पढ़ रहे हैं, जो आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, आप उस कॉन्सेप्ट्स को टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? आप उसको एक्सपेरिमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? वो आप कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो फायदा है इस एजुकेशन सिस्टम का. सो लेट अस सी स्टेम एजुकेशन का मतलब क्या है, कि ये कैसे हेल्प करने वाला है. लेट्स सी. स्टेम एजुकेशन इज द नीड ऑफ द आर. नीड ऑफ द आर क्या? इसकी ज़रूरत है. हमारा जो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ना बेटा, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अलग है बाहर वाली कंट्रीज़ के एजुकेशन सिस्टम से. अगर बाहर वाली कंट्रीज़ के एजुकेशन सिस्टम देखें ना, माय पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं बात बताऊँ, मेरे घर पर ही जो मेरे ब्रदर के बच्चे हैं ना, ब्रदर के दो लड़कियाँ हैं एंड दे लिव इन ऑस्ट्रेलिया, एंड वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज़ रियली डिफरेंट. वहाँ पर बुक्स नहीं होती. इनिशियल बेसिक लेवल से अगर मैं बात करूँ तो बुक्स नहीं पढ़ाई जाती बच्चे को, ए बी सी डी ई एफ जी एच रटवाया नहीं जाता. प्रैक्टिकली काफ़ी सारे ब्लॉक्स में से रिकॉग्नाइज करवाया जाता है कि दिस इज ए लेटर, दिस इज बी लेटर. वहाँ पे रट्टा तोता नहीं बनाया जाता. सो यहीं कहीं ना कहीं फर्क आता है उस सिस्टम में. काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं डे ऑन डे, अगर मैं बात करूँ डे बाय डे अगर मैं बात करूँ काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं. पहले अगर बात करें तो बोर्ड एग्ज़ाम्स की भी जो पेपर का लेवल होता था वो इतना ज़्यादा हाई लेवल नहीं होता था, बट अब अगर हम बात करें जो लेवल है बोर्ड एग्ज़ाम्स का वो बढ़ता जा रहा है. दैट इज़ कमिंग टू दैट जेई एंड नीट सेंट्रिक, राइट. तो मतलब वहाँ का जो लेवल है वो कैसे बढ़ेगा अगर आप कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे. बेटा जब आपके कंसेप्ट के ऊपर कहते हैं ना कि कमांड अच्छी हो जाती है, तो आप सब्जेक्ट को फील कर पाते हैं. एंड व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग ना, तो आप कुछ इन्वेंशन करने से पीछे नहीं हैं, आप टेक्नोलॉजी बनाने से पीछे नहीं हैं. सो दिस इज द मोटिव ऑफ स्टेम एजुकेशन. स्टेम एजुकेशन इज द नीड ऑफ द आर टू हेल्प स्टूडेंट्स टू लीप फॉर बींग जस्ट यूजर्स ऑफ टेक्नोलॉजी टू एमर्ज एज एन इनोवेटर ऑफ टुमारो. अभी हम जिस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग फोन, वी आर यूजिंग लैपटॉप, वी आर यूजिंग इंटरनेट, है ना. बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो काफी अगर मैं पीछे की बात करूं तो थी नहीं, बट अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी बढ़ रही है. वो क्यों बढ़ रही है? बिकॉज यहाँ पर सिस्टम में चेंज आ रहा है. ऐसा ही सिस्टम अगर बेसिक स्कूल लेवल से अगर बेटा ये चीज़ें चेंज हो गई, आपकी एजुकेशन पॉलिसीज चेंज हो गई, पढ़ाने का तरीका चेंज हो गया, कंसेप्ट को फील कराने का किसी डेरिवेशन को कराना है तो वो क्यों करवा रहे हैं? वॉट इज़ नीड ऑफ दैट डेरिवेशन, वॉट इज़ द नीड ऑफ दैट कंसेप्ट? अगर उन सब चीज़ों में चेंज आ गया तो स्टेम एजुकेशन बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन लेकर आ सकता है. सो स्टेम लर्निंग क्या करता है? स्टेम लर्निंग इंगेज करता है स्टूडेंट्स को इन मल्टीपल फ्रंट्स, इनकरेजिंग देम टू थिंक क्रिटिकली, बिल्ड साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड गेट क्रिएटिव सो दैट दे कैन सॉल्व रियल वर्ल्ड चैलेंजेस. रियल वर्ल्ड चैलेंजेस यानी कि अगर मैं अभी
रिसेंटली पूछूं, है ना, अब रिसेंटली सोलर एनर्जी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते जा रहा है ना, सोलर एनर्जी की हम बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस पढ़ते जा रहे हैं, उसको यूज़ करते जा रहे हैं. बट अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ आगे ना बढ़ते, हम सिर्फ सीमित रहते बुकिश लैंग्वेज में, वर्किंग एप्लीकेशंस ऑफ सोलर पैनल, सोलर एनर्जी क्या होता है, हम सोलर एनर्जी को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, हम सिर्फ बुक में ही पढ़ते रहते और हम कभी भी उसको टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट ना कर पाते, तो कहीं ना कहीं क्या वो बुकिश नॉलेज हमको कभी भी हेल्प नहीं करती. सो स्टेम लर्निंग क्या करता है, स्टेम लर्निंग अगर लागू हो जाता है कम्प्लीटली, तो बेटा ये एजुकेशन पॉलिसी जो है ये रेवोल्यूशन इस तरीके से लेकर आएगा कि छोटे से छोटे कंसेप्ट को आप अच्छे से पढ़कर उसको फील कर पाएंगे, उसमें क्रिटिकली आप सोच पाएंगे और साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी कि आप उसको अपने तरीके से बिल्ड कर पाएंगे. और जब ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना यार, तो फिर साइंस बोरिंग नहीं लगेगी, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो मैथ्स हो, कुछ भी बोरिंग नहीं लगेगा जब हम चीज़ों को साइंटिफिकली पढ़ने लगेंगे और उनको इम्प्लीमेंट करने लगेंगे. सो अकॉर्डिंग टू नेशनल साइंस फाउंडेशन, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 80% ऑफ द जॉब्स क्रिएटेड इन द नेक्स्ट डिकेड विल रिक्वायर सम फॉर्म ऑफ मैथ्स एंड साइंस स्किल्स एंड इंडियाज यंग वर्क स्पेस मस्ट बी अडेप्ट फ्रॉम दिस इवेंचुअली. राइट, यानी कि अगर हम बात करें बेटा, अगर नेक्स्ट डिकेड यानी कि अगले 10 सालों की बात करें ना, तो कहीं ना कहीं हर एक जॉब में आपका मैथ्स या साइंस का स्किल लगने वाला है. तो अगर आप अभी से अपने स्किल्स को ब्रशअप नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम बाकी लोगों से बहुत पीछे हो जाएंगे, बाकी कंट्रीज से बहुत पीछे हो जाएंगे, एंड हमको अपने इंडिया को सबसे आगे लेकर जाना है. तो अपनी स्किल्स पर काम करना है, सिर्फ और सिर्फ बुकिश लैंग्वेज की तरफ ध्यान नहीं देना. नॉट टाइम फॉर सम सजेशंस, आप क्या चाहते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी में क्या चेंज आए, आपको कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में. जिस भी टाइप का आप सजेशन देना चाहते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी में ये चेंज आना चाहिए, एग्ज़ाम्स नहीं होने चाहिए या एग्ज़ाम्स 2 times होने चाहिए, या फिर हमको प्रैक्टिकली और चीज़ों को करवाना चाहिए, प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करवाना चाहिए. कहीं कहीं स्कूल्स में ऐसा देखा है मैंने कि जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो इतनी इफ़ेक्टिवली नहीं करवाए जाते हेल्ड, है ना, कहीं ना कहीं वहाँ पर भी प्रॉब्लम रहती है. सो ये सब चीज़ों में इफ़ यू वॉन्ट कि चेंजेस आए, तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सजेशन बॉक्स में. सजेशन बॉक्स में ये कमेंट कहाँ पर डालना है, कमेंट बॉक्स में डालना है इस वीडियो के. एंड आई रियली वॉन्ट यू टू बी एन इंजीनियर इन फ्यूचर जो जिसको स्किल्स जिसमें स्किल्स हों, जो अपनी स्किल्स पर काम करे, सिर्फ बुकिश लैंग्वेज में काम ना करे. अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो सिर्फ आप चीज़ों को बायो को रट्टा नहीं मारें, आपको चीज़ों के पीछे नॉलेज हो कि ऐसा क्यों हो रहा है. अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स आपके लिए एक सिरदर्दी ना बने कि ये मैथ्स की एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन कैसे सॉल्व हो रही है. आपको बिल्डिंग के आर्किटेक्ट की अगर मैं बात करूँ, या फिर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यार, है ना, ये जो ब्रिजेस बनते हैं, ये जो रोड्स बनती हैं, इन सब में अगर मैं बात करूं बेटा, इंजीनियर्स का यूज़ होता है, सिविल इंजीनियर्स का यूज़ होता है. सो कहीं ना कहीं अगर आप अपनी स्किल्स को ब्रशअप करते हैं तो आपको ज़रूर से फ़ायदा मिलेगा. ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर फुली इम्प्लीमेंट हो जाती है तो इट विल रियली हेल्प अ लॉट, है ना. इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, ऐसा माना जाता है कि जो इंडिया की एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पर कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ हम रट्टा मारकर आगे चलते जा रहे हैं. तो ये जो दुनिया का प्रोस्पेक्टिव है ना इंडिया को लेकर, हमको इसको चेंज करना है, हमको अपनी स्किल्स को ऐसे ब्रशअप करना है और इंडिया के लिए ही काम करना है. राइट, सो अपनी सजेशन ज़रूर से सजेशन बॉक्स में डालिए, कमेंट ज़रूर से कीजिए. एंड इसी रेवोल्यूशन में एक हिस्सा हमारा सक्षम बैच भी है. अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, क्लास 11th के स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं, इसको मैक्सिमम ऑफ मिलेगा इफ़ दे यूज़ द कोड Wi-Fi 49. फुल कोर्स आपको 1 to 8 5 का मिलेगा. एंड अगर मैं इसमें फिजिक्स के लेक्चर्स की बात करूँ तो बिल्कुल जैसे बेसिक से स्टार्ट करवाया ना, फील करवा के कंसेप्ट्स को मैंने, तो यू विल रियली गोना एंजॉय इट. सिमिलरली बेटा, अगर आप रेवोल्यूशन में जुड़ना चाहते हैं क्लास 12th के कोर्सेज में, तो यू कैन गो फॉर CUET प्लस साइंस कोर्स, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन आर पोर्टल. एंड उसमें भी आप कोड लगा सकते हैं Wi-Fi 49 और आपको मैक्सिमम रिबेट मिलेगा, ठीक है. सो लाइक एंड शेयर आप कर ही देंगे इफ़ यू एग्री विद मी, तो आई डोंट
थिंक शो कि मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको बोलने की, कमेंट ज़रूर करके बताना, बिकॉज आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड आपके कमेंट्स पढ़ने में कि आप किस टाइप का रेवोल्यूशन चाहते हैं. एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. यहाँ पर क्लासेस चलती हैं, डेली चलती हैं, 24/7 चलती हैं, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं. सो सी यू इन द अपकमिंग सेशंस एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू, स्टे ट्यून्ड.